हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिख धर्म और इस्लाम धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो ग्रुप डी की हो, दिल्ली पुलिस की हो, SSC का कोई एग्ज़ाम हो, CGL, CHSL, MTS, रेलवे, PSC, स्टेट PSC, MPPSC, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ से सिख धर्म से और इस्लाम धर्म, इन दोनों से क्वेश्चन बनता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, और इस वीडियो में आपको इन दोनों धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट तरीके से यानी छोटे रूप में बनाया गया है, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो देख लें और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो से आगे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिख धर्म की, जिसमें दोस्तों 10 गुरु हुए थे। इन 10 गुरुओं के बारे में जानेंगे, 10 गुरु ने कौन कौन से काम किए, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन 10 गुरु की ट्रिक याद कर लेते हैं कि ये कौन से नंबर पर कौन से गुरु जी थे। तो आपको ट्रिक दी गई है, गुरु का अंग अमर है राम के जैसा आज भी हर GRKTG। ये दोस्तों ट्रिक है, आप इसको 5, 6, 8 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों गुरु से हो गया गुरु नानक देव, ठीक है। इसके बाद अंग से हो गया अंगद, अमर से हो गया अमरदास। ये दोस्तों गुरुओं के नाम है, आपको पता होना चाहिए। गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किसान, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये दोस्तों 10 गुरु हुए थे जो सिख धर्म है, उनके नाम है। तो आपको बता ही दिया, अमर से हो गया अमरदास, राम से हो गया रामदास, आज से हो जाएगा अर्जुन देव, हर से हो जाएगा हर गोविंद, हर से हो जाएगा हर राय, के से हो जाएगा हर किशन, ये के इसमें भी है, के इसमें भी है, टी से हो जाएगा तेग बहादुर और जी से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, तो आपको याद रखने हैं इन 10 गुरुओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक देव की। दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना करता है ये, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव की, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इनको जो आभास है वह 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 में हुई थी। इन्होंने ही लंगर की शुरुआत की थी। गुरु नानक देव ने संगत और पंगत की व्यवस्था की थी। दोस्तों, आपको याद होगा होना। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव की मृत्यु 1538 में करतारपुर पंजाब में हुई थी। दोस्तों, ये करतारपुर जो प्रेजेंट में पंजाब में है। बात करते हैं दूसरे गुरु की, तो ये हैं गुरु अंगद सिंह। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी अपनाया था। दोस्तों, जो गुरु नानक देव थे उन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, लेकिन जो स्थाई है वह अंगद ने बनवाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी अंगद ने ही किया था, तो ये भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, तीसरे गुरु आते हैं गुरु अमरदास। इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई काम किए थे। अलग से विवाह पद्धति शुरू की थी, जिसे लवण कहा जाता है। अकबर ने इन्होंने भेंट की थी, ये भी आपको याद रखना है। बीवी भानी, जो दोस्तों बीवी भानी थी, इनको कई गाँव दान में दिए गए थे। जो अकबर की बीवी थी दोस्तों, अकबर की बीवी का नाम था भानी, इनके द्वारा गुरु अमरदास को कई गांव दान में दिए गए थे। 22 गद्दी और एक महंत की स्थापना अमरदास ने ही की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट गुरु हैं दोस्तों गुरु रामदास। अब इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी, और जिस पर अमृतसर शहर बना हुआ है। अमृतसर शहर का पुराना नाम रामदासपुर है, ये भी आपको याद रखना है। अमृतसर जलाशय भी इन्होंने ही खुदवाया था। तो दोस्तों, ये 3 काम हमारे गुरु रामदास जी के द्वारा किए गए। नेक्स्ट गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु ग्रंथ साहब को ही आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इनके द्वारा ही यह वचन दिया गया था। हरमंदर साहब का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर अर्जुन देव ने ही कराया था। जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था, तो ये भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी, जिस कारण जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। अब नेक्स्ट गुरु हैं हरगोविंद। दोस्तों, यह 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे।
और जो अमृतसर है उसकी किलेबंदी भी इन्होंने ही करवाई थी। तो ये दो फैक्ट आपको हरगोबिंद जी के बारे में याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट गुरु है हर राय, इनके चेचक से मृत्यु, दोस्तों हर राय नहीं हर किशन की मृत्यु हुई थी चेचक से, तो आपको याद रखना है, ये मैंने फैक्ट यहाँ पर लिख ही दिया है। हर किशन जी जो हमारे गुरु थे उनकी मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि चेचक में की से बीमार होने वाले या चेचक बीमारी से मृत्यु प्राप्त करने वाले कौन से गुरु थे, तो ये थे हर किशन। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर। दोस्तों इनके बारे में अगर हम कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करें तो शीशगंज गुरुद्वारे के सामने औरंगजेब ने इनकी हत्या कराई थी। दोस्तों ये आपको देखना चाहिए, शीशगंज गुरु जो शीशगंज गुरुद्वारा है उसके सामने ही इनका जो स्थान है जहाँ पर इन्हें औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी, तो ये स्थान आपको देखना बनता है अगर आप दिल्ली में रहते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा ही दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी की जो है वह हत्या की गई थी। हमारे लास्ट गुरु हैं गुरु गोविंद सैन। दोस्तों इनका जन्म पटना में हुआ था, इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने पांच कंकाल जिसमें केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा ये जरूर किए थे। नाम में सह जोड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही कहा गया था। बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी, तो आपको याद होना चाहिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। पाहुल की शुरुआत इन्होंने ही की थी। गुरु वाणी को ही गुरु का कार्य दिया गया, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा कहा गया था। दोस्तों इनकी हत्या 1708 में गुलखाने नांदेड़ में की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने जो फैक्ट हैं दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपको याद रखना है, जिसमें से ये खालसा पंथ, ये केस, ये पांच कंकाल और इनकी हत्या किसने की थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, खुद को सच्चा पातशाह किसने कहा, यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन बना ही है। अब दोस्तों बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म का दोस्तों जो फैलाव है वह मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, मक्का में हीरा नामक गुफा के पास और 610 ईस्वी में इन्हें यह प्राप्ति हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद को ही माना जाता है। हजरत मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। दोस्तों इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। 26 दिसंबर 622 को पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम में मुस्लिम संबत, हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, यानी या तो इसे मुस्लिम संबत कह सकते हैं या हिजरी संबत, जब 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी तो उसी को हिजरत संबत, हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देवदूत ग्रेडियल ने पैगंबर मोहम्मद की कुरान, जो कुरान है उसे अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, आपको पता होगा। नमाज के अवसर पर मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं को उद्देश्य दिया था। कुछ और फैक्ट की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खुद को जो उत्तराधिकारी वह खलीफा कहलाए। 6 जून 632 को मोहम्मद हजरत जो हजरत मोहम्मद जी हैं उनकी मृत्यु हो गई। मदीना में इन्हें दफनाया गया था। जो व्यक्ति हज के लिए जाते हैं वही मदीना के लिए भी जाते हैं दोस्तों, वही सब ये चीज़ें आसपास है मक्का मदीना। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में दो संप्रदायों बट गया, जिसमें एक तो बन गया सुन्नी संप्रदाय और दूसरा शिया संप्रदाय बन गया। नेक्स्ट कुछ और वन लाइनर्स की बात करें तो दोस्तों सुन्नी के बारे में, सुन्नी उसे कहा जाता है जो सुनने में विश्वास रखते हैं, तो ये जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वह जो विश्वास रखते हैं वह सुनने में विश्वास रखते हैं। सुन्नी पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का विवरण ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना है कि ये जो सुन्नी पैगंबर हैं वो मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का जो विश्वास रखते हैं। और दूसरे हैं जो शिया, वह अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हुए उन्हें मोहम्मद का नया संबत उत्तराधिकारी मानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। जो शिया अली हैं वह अली जो शिया हैं वह अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं।
अली की 661 में हत्या कर दी गई थी। दोस्तों ये 661 ईस्वी है तब अली की दोस्तों जो है हत्या कर दी गई थी। और ये अली मोहम्मद साहब के दामाद ही थे, जो मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया है। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र दोस्तों लिखा गया। पैगंबर मोहम्मद के जन्म पर ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ईद जो मनाई जाती है वह पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाई जाती है। इस्लाम जगत में खलीफा 1924 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों इसे टर्की का शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, उसने समाप्त किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस्लाम धर्म में जो खलीफा का पद है वह 1924 ईस्वी तक रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की दो धर्म, सिख धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में। वीडियो आपको पसंद आया था तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे जो वीडियो है उनको शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर के अलावा आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है और अपने दोस्तों से करवाना है, क्योंकि एस्टेटिक जीके का जो पोर्शन मैं लेकर आया हूँ वो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं पढ़ाया है, ना आपने कहीं भी ये वीडियो देखा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।